बच्चे हमारा फ्यूचर का हिंदुस्तान है, फ्यूचर का इंडिया है। ये एक गुलदस्ता मैम के हाथ में है और ये भी एक फूलों का गुलदस्ता हमारे सामने है। इसमें अलग अलग प्रकार के फूल खिल रहे हैं। मैं हमारे डिस्ट्रिब्यूट गेस्ट जो है सबको मैं जानता हूँ, मंजू जी को, शोभा जी, मनीष जी, गौरी जी, हमारे अभी भाई मिले हमारे को बड़े प्यारे से, और सोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोहन को ये आशीर्वाद दूंगा, विशेष दूंगा, ब्लेसिंग दूंगा कि ऐसे प्रोग्राम करते रहे। सच मानू आई डेंट एक्सपेक्ट कि ये बच्चे इतने प्यारे आएंगे। आई एम रियली फैसिनेटेड एंड अमेज कि उनको मिलके, उनको देख के बड़ा मन को अच्छा लग रहा है। और ऐसे प्रोग्राम करते रहो और हम सब जो यहाँ पे खड़े हैं स्टेज पे ऐसे खड़े हैं आपके साथ अंदर अंदर मिलाकर आपको पूरा सहयोग देंगे। मैं वादा करता हूँ सबके तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा आके, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इतनी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी है। इतने लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब ये सब आपके डीजे यहाँ मौजूद हैं, अपने बच्चों के साथ भी मौजूद हैं। ये बुलबुल के तरानों को भी कहीं सरगम की समझ दी जाती है, हीरे जैसे मोती को कहीं हीरे की दमक दी जाती है। हम में कहाँ इतनी जुर्रत है जो इन बच्चों की चित्रकला के बारे में कुछ कह सकें। अरे सोने के कंगन को भी कहीं सोने की दमक दी जाती है, सोने की दमक दी जाती है। तो ये सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पर और अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आए हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए सोचता है कि तुम सृष्टि की सबसे सुंदरतम प्रीति हो, क्योंकि तुम्हें मैंने गढ़ा है। मेरा अतीत हो तुम में मैं दोबारा जी रही हूँ। अतृप्त आकांक्षाएं मेरी पूर्णता पा रही है तुम में। मेरा वर्तमान भी तुम हो, क्योंकि तुम में मैं अपने सपनों को साकार करूंगी। और मेरा भविष्य भी तुम हो, क्योंकि तुम में मेरे सपने साकार होंगे। हाँ हाँ तुम मेरी संतान हो, मेरा ही दूसरा रूप, तुम में मैं हरदम जिंदा रहूंगी, हरदम जिंदा रहूंगी। तो अपने बच्चों को इसी तरह से आगे बढ़ाते जाइए। कल न जाने कौन हुसैन अंदरी मैंने कौन कहाँ बन जाए। मेरी दोनों पोटियों की भी पेंटिंग यहाँ लगी है, इसलिए दादी मुझे बहुत